जय मसीह की। मसीह में मेरे सभी भाइयों और मसीह में मेरे सभी बहनों और सभी जवान बच्चे बूढ़े आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत सलाम देता हूँ और आपको बताता हूँ कि प्रभु ने में अगर आप भरोसा करते हैं, अगर कोई मसीह भाई परेशान है, अगर कोई मसीह भाई धन को लेकर चिंतित है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि वो व्यवस्था विवरण 28 और उसका 12 पढ़ ले। व्यवस्था विवरण 28 और उसके 12 में प्रभु ने लिखा है कि मैं समय समय पर मेह बरसा कर तुझे इतना आशीषित कर दूंगा कि तुझे किसी भी चीज़ की कमी खटी आने नहीं दूंगा। प्रभु कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे गोद रखा है, कोई तुझे छू भी नहीं सकेगा। प्रभु कहता है तुझे मैं इतना आशीषित करूँगा, तेरे को इतनी मैं धन दूंगा कि तू एक नहीं, जितनी जातियाँ दिल्ली से लेके अमेरिका तक है, पाकिस्तान से लेके चाइना तक है, पूरे विश्व की जातियों को तू उठा दे। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि क्या आज तो हमारे पास धन है ही नहीं, पैसा कहाँ से आएगा। प्रभु कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु कहता है राई के दाने के बराबर विश्वास करके तो देखो, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत काम करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, जो तुम्हारी चित में भी नहीं आया होगा। ऐ मेरे मसीह से मानने वाले विश्वासियों, आज आप सभी को मदर डे की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और धन्य कहता हूँ मरियम को, जिसने अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ते हुए देखा और प्रभु ने पूरे जगत के लिए अपने आप को सलीब पर चढ़ाकर पूरी दुनिया का गुनाह माफ़ करवा दिया। प्रभु के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे सभी भाई और बहनों, प्रभु का प्यार बहुत विशाल है, बहुत मीठा है। उस फल को चख के तो देखो प्रभु कैसे तुम्हारे जीवन में काम करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बहुत शून्य था और अभी भी शून्य नहीं, डबल शून्य। प्रभु मुझे 100% हमेशा बना के रखता है। कोई भी धनवान व्यक्ति मेरे सामने आता है तो उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं शून्य व्यक्ति हूँ, उसे ऐसा लगता है कि ये 100% व्यक्ति है। तो आपको भी प्रभु 100% बढ़ाना चाहता है, आपको भी प्रभु 100% तरक्की देना चाहता है। प्रभु के नाम से प्रभु को विश्वास कीजिए, प्रभु को अपना ये देखना, प्रभु स्वर्ग से आके तुम्हें बचा लेगा, स्वर्ग से आके तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेगा। प्रभु पर भरोसा करने वालों, आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं। जिस जिसने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया उसका मुंह कभी काला नहीं हो पाया, उसका सर किस गया तो छुप नहीं पाया। प्रभु आपके शत्रु के शत्रु का भी इलाज करना चाहता है। प्रभु कहता है तुझके भले ही शत्रु चारों दिशा से वार करेंगे, चारों दिशा से तुझ पर आक्रमण करेंगे, पर मैं उनको 7 रास्ते से भगाऊंगा, मैं उनके लिए 7 रास्ते से तेरे बचने के रास्ते बना दूंगा। मेरे मसीह से मांगने वाले मेरे दोस्तों, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लीजिए। प्रभु कहता है अपना बोझ मुझे दे दो यार, मुझे बोझ देते तो देखो। तो प्रभु हम सब से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत हम सब से प्रभु यीशु का हम सब पे बहुत आशीर्वाद है। आज मदर डे के दिन मेरा लिखा है एक 2 लाइन आपको सुनाऊंगा मदर डे पर। प्रभु यीशु से मैं कहता हूँ तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो है जिस्म और जा से बड़ा, पिता ने जो तुमसे कहा तुमने तो वही था किया। तुम ही हो मेरी माँ, तुम ही हो मेरे पिता,
है तुमसे मेरा रिश्ता। तो यीशु मसीह हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है, हमारा दोस्त भी है। प्रभु के शरण में लोग प्लीज।